Hello friends, I am Richa. Today we are going to study about exam 6.1, exam 6.2 and theorem 6.1 of NCERT Maths class 9 chapter number 6 lines and angles. Okay, ये दो exams हैं जो कि हमने NCERT book से ही लिए हैं. 6.1 and 6.2 हम इसको समझते हैं, ठीक है? If a ray stands on a line, then the sum of two adjacent angles so formed is 180. यानी कि कह रहा है कि एक line है, ठीक है? आपने इस पे कोई भी एक रे ली, ठीक है, चाहे ऐसे ली हो आपने या इस तरीके से ली हो आपने, ठीक है, तो या की रे है या की लाइन है, ठीक है, तो इसकी जो टू एडजेसेंट एंगल है इन दोनों का जो भी ऐड होगा वो आपका कितना होगा, 180, ठीक है. नेक्स्ट, if the sum of the two adjacent angle is 180, then the non common arms of the angles form a line. देखिए इसमें क्या है, एक कोई भी लाइन है, ठीक है, सम ऑफ द टू एंगल, यानी कि एक एंगल आपका ये, एक एंगल आपका ये, इन दोनों का सम 180 है, तो जो आपकी नॉन कॉमन आर्म है, यानी कि ये वाली आर्म और ये वाली आर्म, ये आपकी जो दोनों नॉन कॉमन आर्म है, ये आप ये पूरी क्या बनाएगी, एक स्ट्रेट लाइन, यानी कि एक लाइन बनाएगी. ओके, ये दोनों एग्जाम्स आपकी फिनिश होती है. Now, theorem 6.1. If two lines intersect each other, then the vertically opposite angles are equal. यानी कि ये कह रहा है कि दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो वर्टिकली जो अपोजिट एंगल है वो हमारे इक्वल होते हैं, ठीक है, इसको आपको प्रूव करना है. ओके, सबसे पहले जो जो हमें प्रूव करना है वो लिख देते हैं. टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमको, हमें प्रूव करना है एंगल AOT equal to AOP equal to angle BOC. ऐसी angle AOC equal to angle BOT. ठीक है, ये आपको proof करना है. Okay. Next proof. देखो. सबसे पहले अभी अभी हमने पढ़ा है linear pair वाले में क्या था, जैसे कि ये है आपका CD, CD एक लाइन है और OB इस पे क्या है, रे है, हम ये लिखते हैं, ठीक है, CD is a line and OB is a ray. CD एक लाइन है एंड OB हमारी क्या है, रे है, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, एंगल BOC प्लस एंगल BOD इक्वल टू 180. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका ए बी इज अ लाइन एंड ए बी इज अ लाइन ओ डी इज अ रे, ठीक है, उस पर ओ डी क्या है हमारी, रे है. ओके, नेक्स्ट देखिए इसमें क्या हो जाएगा, एंगल बी ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल टू 180, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर वन, ये क्वेश्चन नंबर टू, दोनों को आमने सामने लिखी है, बी ओ सी प्लस बी ओ डी इक्वल टू बी ओ डी प्लस ए ओ डी, ठीक है, इससे ये कैंसिल, तो आपका क्या बचेगा, एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल ए ओ डी, कहाँ है बी ओ सी, बी ओ सी एंड ए ओ डी, यानी कि आपका बी ओ सी एंड ए ओ डी, ये वाला आपका प्रूफ हो गया, ठीक है. अब नेक्स्ट, इसी तरह सिमिलरली हमने सी डी लाइन ली है, अब हम फिर से सी डी लाइन लेंगे, पर हमारी जो रे लेंगे हम क्या लेंगे, ओ पे, देखो इसको आप अपने से करना, ठीक है, उस तरीके से हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जैसे कि हमने ये लाइन ली, ये रेली, तो यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल टू 180 हो जाएगा. ऐसे ही ए भी लेंगे, तब हमने ये रेली थी, इस बार हम ये वाली रे लेंगे ओ सी, ठीक है, इसमें भी ये एंगल 180 हो जाएगा, तो इसको आमने सामने लिख देंगे, ये थ्योरम तो आपका ये आएगा, ठीक है, ये थ्योरम आपकी प्रूव हो जाएगा.